युवक नहीं युवती भगा कर ले गई युवक को और मिसाल बन गई ये मोहब्बत। नमस्कार, स्वागत है आपका समाचार एक्सप्रेस में। मैं आपके साथ नेहा वर्मा। यहाँ एक युवती ने एक नेत्रहीन युवक से विवाह रचाया है। यूं तो किसी नेत्रहीन से शादी करना कोई गलत बात नहीं, मगर युवक युवती की लव स्टोरी बेहद रोचक है। छत्तीसगढ़ के सीकर सदर थाना अधिकारी करण सिंह खंगरोत ने बताया कि पिंडोली निवासी एक युवती सुमन ने परिजनों ने उसके गुमशुदगी का मामला दर्ज करवाया था, जिस पर टीम गठित कर युवती की तलाश शुरू कर दी गई। तो वह झुंझुनू जिले के सूरजगढ़ थाना इलाके गांव लोटिया निवासी संदीप के साथ रहती मिली। संदीप नेत्रहीन है। पुलिस जांच में सामने आया कि सुमन ने घर से भागकर संदीप के साथ मेरठ में आर्य समाज में विवाह किया है और वह संदीप के साथ उसके साथ घर रहने लगी। पुलिस ने संदीप व सुमन को गाँव लोटिया से दस्तयाब किया है। इसके बाद सुमन ने वापस संदीप के साथ ही रहना स्वीकार किया और कहा कि वह स्वेच्छा से उसके साथ ही आई है और उसने मेरठ के आर्य समाज में विवाह कर लिया है और वे उसके साथ ही घर पर रहना चाहती है। ऐसे शुरू हुई दोनों की लव स्टोरी। सीकर सदर थाना अधिकारी करण सिंह खंगरोप ने बताया कि युवक व युवती की मुलाकात एक दोस्त के जरिए किसी मंदिर में हुई थी। फिर दोनों के बीच बातों बातों में मुलाकात का सिलसिला शुरू हो गया, दोस्ती प्यार में बदल गई और दोनों आंखों से नेत्रहीन युवक के साथ युवती ने जिंदगी बिताने का फैसला ले लिया। 24 वर्षीय यह युवती किसी तरह से शारीरिक रूप से असक्षम नहीं है, जबकि युवक पूरी तरह से नेत्रहीन है। युवती ने पुलिस पूछताछ में बताया कि वह युवक से सच्चा प्यार करती है, इसलिए शादी कर ली। अब वह अपने पति का सहारा बनेगी और उसके लिए नौकरी मजदूरी करनी पड़ी तो वह भी करेगी। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर बेल आइकन को दबाए।